गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से आप देख रहे हैं, यहां पर ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। कक्षा 11वीं के लिए व्यवसाय अध्ययन का ब्लूप्रिंट है, जिस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। पूरे 3 घंटे का पेपर होगा, 80 अंक यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। देखिए इकाईवार विषय वस्तु क्या होगी और अंकवार प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने पूछे जाएंगे और इकाई पर आवंटित अंकों की संख्या क्या होगी और कुल प्रश्न पेपर में कितने आएंगे, इस बात पर भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं लेता हूं, इसके दो भाग हैं। पहला व्यवसाय के आधार पर हमने देखा है और व्यवसायिक संगठन वित्त एवं व्यापार के आधार पर, ऐसी दो पुस्तकें होती है, दोनों अलग अलग खंड बने हुए हैं। तो सबसे पहले पहला व्यवसाय के आधार पर पहला खंड मैं यहाँ पे लेता हूँ आपके लिए, और पहले में पहला अध्याय होगा हमारा व्यवसाय व्यापार और वाणिज्य। इसके अंतर्गत 14 अंक यहाँ पर आवंटित किए गए और 4 वस्तुनिष्ठ यहाँ से पूछे जाएंगे। 2 अंक का 1 क्वेश्चन, 3 अंक का 1 क्वेश्चन और 5 अंक का 1 क्वेश्चन, ऐसे कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन इस अध्याय से पूछे जाएंगे। व्यवसायी संगठन के स्वरूप यहाँ पर आपने देखा है, 2-3 स्वरूप होते हैं, जैसे एकल व्यवसाय, साझेदारी और कंपनी का स्वरूप, ये सब होते हैं। तो व्यवसायिक संगठन के स्वरूप यहाँ पर 5 अंक आवंटित किए गए हैं इकाई पर, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 अंक का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन की संख्या इससे 1 हो जाएगी। आप देखिए अध्याय 3 जो आता है, निजी सार्वजनिक एवं भूमंडली उपक्रम की बात करेंगे। यहाँ पर संयुक्त उपक्रम सार्वजनिक निजी भागीदारी संरचना को छोड़कर बात की जाएगी। यहाँ पर 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ सिर्फ 1 पूछा जाएगा और 4 अंक का 1 क्वेश्चन, तो कुल अंकों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर, वो प्रश्नों की संख्या 1 हो जाएगी। आप इसी प्रकार देख सकते हैं व्यावसायिक सेवाएं में डाक सेवाएं होती हैं, मेल, पंजीकृत डाक, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुरियर सेवा आशय को छोड़कर। यहाँ पे हम बात करेंगे अध्याय 4 में, कुल 6 अंक यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए हैं, इनमें 2 वस्तुनिष्ठ पूछ लिए जाएंगे और यहाँ 4 अंक का 1 क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन की संख्या कुल 1 हो जाएगी। इकाई 5 जो अध्याय 5 है, व्यवसाय की उभरती पद्धतियां जो है, इसमें व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण BPO, इसका फुल फॉर्म अक्षर करके परीक्षा में पूछा जाता है विकल्पों में, और संकल्पना आवश्यकता को का क्षेत्र छोड़ के यहाँ पे कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल अंक 3 हो जाएंगे, वस्तुनिष्ठ 1 पूछ लिया जाएगा और 2 अंक का 1 क्वेश्चन, कुल प्रश्न यहाँ पर 1 हो जाएंगे। अब हम आते हैं भाग दूसरे पर। दूसरा भाग जो है कंपनी का निर्माण, यहाँ पे सभी प्रकार की कंपनी आ जाएगी, तो इसमें 10 अंक निर्धारित किए गए हैं क्योंकि महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और इससे 12वीं में भी चैप्टर बने हुए हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल हल करने होते हैं। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ तो नहीं पूछे जाएंगे, 2 अंक का क्वेश्चन 1 और 3 अंक का 1 और 5 अंक का 1 क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाएंगे। तो देखिए आप 2 और 3 5 और 5 10 अंक हो जाते हैं यहाँ पर। इस प्रकार व्यवसायिक वित्त की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 14 अंक यहाँ निर्धारित किए गए, जिसमें 4 वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे, 2 अंक का 1 हो जाएगा, 3 अंक का 1 हो जाएगा और 5 अंक का 1 क्वेश्चन हो जाएगा। लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता की बात करेंगे, यहाँ पर 10 अंक आवंटित किए गए इस इकाई को और वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन यहाँ पर, और 2 अंक के नहीं 3 अंक का 1 क्वेश्चन और 5 अंक का 1 क्वेश्चन, कुल 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। आंतरिक व्यापार यहाँ पे आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आंतरिक व्यापार, जैसे फुटकर व्यापार के प्रकार, विशेषताएं वगैरह यहाँ पे पूछी जाती है। भ्रमणशील फुटकर विक्रेता एवं छोटे स्थायी फुटकर विक्रेता को छोड़ के बात की जाती है अध्याय 10 में। यहाँ 8 अंक निर्धारित किए गए हैं, 1 वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा, 2 अंक का 1 हो जाएगा और 5 अंक का 1, कुल 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की यहाँ बात करते हैं, जैसे निर्यात व्यापार, आशय प्रक्रिया, आयात व्यापार प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यहाँ पे जो इकाई 11 है हमारी, यहाँ पर देखिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, 3 वस्तुनिष्ठ पूछ लिए जाएंगे, 2 अंक का 1 क्वेश्चन होगा और कुल क्वेश्चन की संख्या यहाँ 1 हो जाएगी। इस प्रकार आप देखेंगे कि 80 अंक के यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, टोटल 80 अंक के और 20 अंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो जाएंगे, सही विकल्प जोड़ी बनाना ये सब हो जाएंगे। इस प्रकार कुल 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, कुल 22 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने पेपर में आएंगे। अब इससे कुछ क्वेश्चन आने अध्याय हटा दिए गए हैं, तो 21
2021 के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम जो है तो अध्याय 6 व्यवसाय की का व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व हटा दिया गया और व्यवसायिक नैतिकता को भी हटा दिया गया है। तो ये दो चैप्टर यहाँ पे अध्याय 6 में हटा दिए गए हैं, इन्हें हमें नहीं पढ़ना होगा। और कठिनाई का स्तर जो है तो 50% सरल क्वेश्चन आएंगे, 40% सामान्य प्रश्न और 10% कठिन प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो ये था व्यवसाय अध्ययन का ब्लूप्रिंट जिस पर हमने चर्चा की और इसी के आधार पर आपको तैयारी भी करनी है। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने को कहें।